दो दोस्तों नमस्कार आज की में हम लोग देखने वाले हैं महिला मताधिकार के पक्ष में चार तर्क दीजिए तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों महिला मताधिकार के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं जो सबसे पहला तर्क है लोकतांत्रिक सरकार में प्रभु सत्ता का निवास जनता में निहित होता है तो महिलाएं तो महिलाएं क्यों वंचित रहें अब है दूसरा मिल के अनुसार मिल के अनुसार सरकार के कानून व नीतियों से संपूर्ण जनता प्रभावित होती है तथा जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा होना चाहिए यह महिला मताधिकार के पक्ष की महत्वपूर्ण पुष्टि है तीसरा है पित्र सत्तामक सत्तात्मक भावना यदि महिला की उपेक्षा करते हैं तो राष्ट्र व समाज एक पहिया निर्बल होने से राष्ट्र निर्बल हो जाएगा अतः उन्हें भी सत्ता में भागीदारी हेतु मताधिकार मिलना चाहिए और चौथा है महिला विदुषी वीरांगनाएँ तथा राज्यों की शासक रही हैं उनके मत की उपेक्षा करना राष्ट्र के विकास में घातक सिद्ध होगा क्योंकि वे पुरुष से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है निपुण नहीं है तो दोस्तों आशा करता हूँ तो आप लोग को वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद लाइक चैनल